अध्याय 10। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे के से थे और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के सात शब्द सुनाई दिए, और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन सात शब्दों से सुनी हैं, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। और जो युगानुयुग जीवता रहेगा और जिसने स्वयं को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, वरन सातवें स्वर्ग दूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद् वक्ताओं को दिया पूरा होगा। और जिस शब्द करने वालों को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले इसे खा जा, और ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। सो मैं वो छोटी पुस्तक उस स्वर्ग दूत के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे ये कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी।